नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि साइप्रोहेप्टाडीन सिरप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, साइप्रोहेप्टाडीन सिरप को कैसे लेना चाहिए और साइप्रोहेप्टाडीन सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि साइप्रोहेप्टाडीन सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में साइप्रोहेप्टाडीन सिरप को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। साइप्रोहेप्टाडीन सिरप का उपयोग भूख को बढ़ाने के लिए और एलर्जी व नजला के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया जाता है। एलर्जी या नजला के लक्षण जैसे कि नाक से पानी बहना, आँखों से पानी आना, आँख, नाक या गले में खुजली होना, छींक आना और शरीर पर कहीं खुजली होने पर आदि लक्षणों से राहत पाने के लिए साइप्रोहेप्टाडीन सिरप का उपयोग किया जाता है। जिन व्यक्तियों को भूख कम लगती है, उन व्यक्तियों में भूख को बढ़ाने के लिए डॉक्टर साइप्रोहेप्टाडीन सिरप को लेने की सलाह दे सकते हैं। साइप्रोहेप्टाडीन सिरप भूख को बढ़ाकर वजन को भी बढ़ाने में सहायक होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि साइप्रोहेप्टाडीन सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। साइप्रोहेप्टाडीन सिरप की वजह से नींद अधिक आ सकती है और शरीर में सुस्ती हो सकती है। साइप्रोहेप्टाडीन सिरप की वजह से वजन बढ़ सकता है, क्योंकि साइप्रोहेप्टाडीन सिरप भूख को बढ़ाती है जिसकी वजह से वजन बढ़ सकता है। लेकिन कुछ व्यक्तियों में साइप्रोहेप्टाडीन सिरप की वजह से भूख कम भी हो सकती है। इसके अलावा साइप्रोहेप्टाडीन सिरप की वजह से गले, मुंह और नाक में सूखापन, चिड़चिड़ापन, नींद न आना, दस्त, कब्ज, सिरदर्द, चक्कर आना, उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना आदि साइड इफेक्ट्स साइप्रोहेप्टाडीन सिरप की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि साइप्रोहेप्टाडीन सिरप को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। साइप्रोहेप्टाडीन सिरप को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। अगर आप भूख को बढ़ाने के लिए साइप्रोहेप्टाडीन सिरप को ले रहे हैं तो साइप्रोहेप्टाडीन सिरप को खाना खाने से 30 मिनट पहले लेना ज्यादा अच्छा होता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर साइप्रोहेप्टाडीन 10 मिलीलीटर सिरप को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं। लेकिन साइप्रोहेप्टाडीन सिरप की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको साइप्रोहेप्टाडीन सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि साइप्रोहेप्टाडीन सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में साइप्रोहेप्टाडीन सिरप को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। साइप्रोहेप्टाडीन सिरप के साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और साइप्रोहेप्टाडीन सिरप को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि साइप्रोहेप्टाडीन सिरप को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों में कुछ समय के लिए मानसिक सतर्कता कम हो सकती है और नींद अधिक आ सकती है। जो व्यक्ति दिन के समय ऑफिस में जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को डॉक्टर साइप्रोहेप्टाडीन सिरप को केवल शाम के समय लेने की सलाह दे सकता है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों को साइप्रोहेप्टाडीन सिरप को लेने के बाद नींद अधिक आ सकती है जिसकी वजह से उनका ऑफिस का काम प्रभावित हो सकता है। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं साइप्रोहेप्टाडीन सिरप को ले सकती है या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं को डॉक्टर ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही साइप्रोहेप्टाडीन सिरप को लेने की सलाह देते हैं, और जो महिलाएं स्तनपान करा रही हैं, उनके लिए साइप्रोहेप्टाडीन सिरप का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्टर की सलाह के बिना साइप्रोहेप्टाडीन सिरप का सेवन नहीं करना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका साइप्रोहेप्टाडीन सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।